शिवपुरी के कोलारस में प्रसिद्ध है यह हलवा। ज्योतिरादित्य सिंधिया अचानक से पहुंचे। गौरतलब है कि शिवपुरी के कोलारस में उस टाइम पर वर्षों से विनोद रजाले की यह दुकान है। यहां पर यह कद्दू का हलवा बनाते हैं। उन्हें यह हलवा बनाना पैतृक रूप से आता है और यह वहां पर बहुत फेमस है। सिंधिया अचानक से वहां पहुंचे और उन्होंने उसका स्वाद लिया। विनोद के दुकान से ही मिठाई लेके आने के लिए, इतना जबरदस्त मिठाई है मैंने कभी जिंदगी में नहीं खाया। तो मैं आदेश के आधार पर आपके सामने पहुंच गया हूँ। कौन सी वाली मिठाई खिलाई थी तुमने? ये क्या है? ये पेटे का बनता है। अच्छा, पेटे का। पहले समझ तो लूं मैं। इसमें क्या गुलाब ही डाला है आपने? मावा और को देता है नहीं, मावा तो ऊपर डाला है, पर ये गुलाब की पंक्तियाँ गुलाब सूखी गुलाब की पत्ती डलती है महाराज। अच्छा, ये वो था वो आता है। और ये किसने सिखाया आपको बनाने? वही तो मैं पूछ रहा हूँ, किसने सिखाया? उस टाइम नहीं आजाब बुजुर्ग महाराज आपके पिताजी बनाते थे। आपने कब तक गोबर की? 20 साल हो गए। कलाकंद के नाम से? अच्छा, हाँ। और बच्चा भी बनाता? नहीं बनाता। और आप किसी को सिखा भी दो, क्योंकि ये आपको बताऊं ऐसी चीजें आपकी धरोहर नहीं, कोलारस की धरोहर नहीं, मैं मजाक नहीं कर रहा, ये देश की धरोहर है। ये चीजें अगर खत्म हो जाएंगी दोबारा। अभी कुछ दिन पहले एक सिंधिया जी यहाँ पे सीखे गए थे, वहाँ पे विनोद रजाले की दुकान पर उन्होंने कद्दू का हलवा खाया। तो किस प्रकार के सिंधिया जी वहाँ पे जाते रहते हैं बताया? नहीं महाराज, ज्योतिरादित्य सिंधिया जी हमारे अंचल के, प्रदेश के और देश के चुने हुए नुमाइंदे बतौर राजनेता हैं, जन जन के नेता हैं, आम आदमी के नेता हैं, हर जनता के एक एक वर्ग में एक एक आदमी से उनकी सीधा उनका संपर्क है। और ग्वालियर, शिवपुरी, गुना, अशोकनगर, चंबल संभाग और पूरे मध्य प्रदेश में हर जगह उनके चाहने वाले हैं। विनोद रजाले की दुकान बहुत ही प्रचलित है, लोकप्रिय मिठाई की दुकान है। और महाराज अक्सर उस कांस्टेंसी में जब जाते हैं तो उनकी इच्छा होती है कि विनोद के यहाँ किसी स्वाद लिया जाए मिठाई का। और निश्चित तौर पर वो जब जा रहे थे तो उन्होंने मिठाई खाई, कद्दू का हलवा था वो, और कद्दू का हलवा उनको बहुत प्रिय है, महारानी साहब को भी बहुत प्रिय है, और निश्चित तौर पर पूरे परिवार के साथ में वो लुत्फ लेना चाहते हैं। अभी शिवपुरी, गुना, अशोकनगर के दौरे पर हैं और स्वाभाविक है कि उनकी इच्छा हुई होगी या उनसे मिलने का आशय होगा कि मैं इन लोगों से मिलूं, ये मेरे पुराने लोग हैं। तो निश्चित तौर पर वो दुकान पर रुके होंगे, उनने मिठाई दी होगी, उनने मिठाई ली, स्वाद लिया, और बहुत अच्छी बात है, इससे तो जनता से जुड़ाव रहता है। महाराज वो नेता हैं जो जोड़ते हैं, जुड़ाव रखते हैं, और किसी प्रकार का क्षेत्र में कोई तकलीफ किसी को ना हो इसकी जानकारी भी वो इन्हीं उदाहरण बतौर लेते हैं कि सब ठीक तो है, कोई परेशानी तो नहीं है। तो ये एक अपनापन होता है जो महाराज ने विनोद रजाले की दुकान पर जाके दिया।